हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज मैं फिर से दिखाने वाला हूं आपको एक कमाल का बैकपैक जो कि आता है स्वीट कंपनी की तरफ से। स्वीट का एंकी पैक इसको बोलते हैं और कंपनी ने इसको टैगलाइन दी है कि बिल्ड फॉर इंजीनियर्स। पर खैर सब लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का बैकपैक है। स्वीट के मैंने जितने भी बैकपैक अभी तक अनबॉक्स किए हैं, जितने भी आपको दिखाए हैं, सबके सब बहुत कमाल के थे और काफ़ी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आते हैं और इस बैकपैक के साथ भी ऐसा ही है। इसके प्राइसिंग की बात करें तो 2349 रुपये का इसका प्राइस है। उस प्राइस रेंज में ये काफ़ी अच्छे फीचर जो है हमें दे सकता है। तो आप देख सकते हैं कैसे किस तरह की इसकी बिल्ड है। डिज़ाइन जो है इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं ग्रे कलर का इसमें यूज़ किया गया है। पीछे की तरफ थोड़ा डार्क ग्रे हमें यहाँ देखने को मिलता है। स्वीट की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं एनजी पैक यहाँ पर लिखा गया है और नीचे आपको यूएसबी एक्सटेंशन मिल जाता है, एक्सटेंशन पोर्ट मिल जाता है। ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मटेरियल की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हमेशा से स्वीट कंपनी जो है वो यूज़ करती है। साथ में आपको बता दूँ कि ये जो फैब्रिक है वो ये स्प्लैश प्रूफ भी होता है, तो कोई पानी वगैरह भी गिर जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात जो है यहाँ पर नहीं होती है। मटेरियल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और सॉलिड बिल्ड जो होती है इसकी, आप देख सकते हैं साइड जो ये बोतल होल्डर है ये कितना ज़्यादा सही और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मतलब चीप बैकपैक नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सुपीरियर जो क्वालिटी है इन बैकपैक में यूज़ की जाती है। और पीछे की तरफ से इसका जो लुक है कुछ इस तरीके का आता है। काफ़ी टफ जो है हैंडल इसका यहाँ पर मिलता है, काफ़ी मजबूत है। आप कितना भी हैवी सामान डालें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की जो स्ट्रैप हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो आपको कोई भी भारीपन वगैरह नहीं लगेगा। इसके ऊपर आप हनीकॉम डिज़ाइन देख सकते हैं कितना अच्छा जो है इसको लुक दे रहा है। चैन वगैरह देखें तो स्वीट की जहाँ पे ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, ये सारी की सारी काफ़ी मजबूत क्वालिटी की बनाई जाती हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं आती, ख़राब नहीं होती है। मैं काफ़ी बैकपैक यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी स्वीट के। और यहाँ पर आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपको एडजस्टेबल चेस्ट स्ट्रैप भी मिल जाता है। ये बहुत सपोर्टिव होता है जब आप कोई ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हैं या थोड़ा भारी सामान लेके जा रहे हैं तो बहुत हेल्प करता है। तो ये जितने भी आप स्ट्रैप वगैरह देख रहे हैं सबकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो आप देख सकते हैं कितनी सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी है। सारा का सारा जो है छोटी से छोटी चीज़ का इन बैकपैक में ध्यान रखा जाता है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ब्रीथेबल पैड्स जो है उनका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट पैड होते हैं ये और बहुत ही अच्छी फॉर्म से बनाए जाते हैं। 20 mm का जो है हाई क्वालिटी ब्रीथेबल फॉर्म जो है इसमें यूज़ किया जाता है। पीछे की तरफ देख सकते हैं हमारी बैक को सपोर्ट देने के लिए का डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके का बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा स्ट्रैप हमें मिल जाता है। ये अगर आप कोई ड्राइंग शीट कंटेनर वगैरह जो लेके चल रहे हैं तो आप इसके बीच में उसे अटका सकते हैं, कोई ट्राईपोर्ड लेके चल रहे हैं तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। साथ में यूएसबी केबल ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना पावर बैंक लगाना होता है। यहाँ पर मैं अपना पावर बैंक आपको लगाकर दिखाता हूँ। पावर बैंक साथ में नहीं मिलता है, ये लोग पूछते हैं इस चीज़ को, तो पावर बैंक आपको खुद का लगाना होता है। अंदर आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं और आप यहाँ से अपना कोई भी जो अपना फोन जो है वो चार्ज करना चाहते हैं, आप डाटा केबल लगाइए और इजी तरीके से अपने फोन को आप चार्ज कर सकते हैं। ये जो फीचर है दोस्तों काफ़ी यूजफुल है जब भी आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे होंगे। ऊपर की अगर पॉकेट की बात करें तो यहाँ पर आपको की ऑर्गेनाइजर मिल जाता है, की चैन भी मिल जाती है, पूरी अच्छे तरीके से आप सामान को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और यहीं पर आपको रेन कवर भी देखने को मिलता है जो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रेन कवर मिलता है। वैसे स्प्लैश प्रूफ है ये बैग, पर उसके अलावा अगर हैवी रेन होती है तो आप इसको लगा सकते हैं जिससे कि पानी वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो आपका बैग जो है गीला नहीं होता, तो ये भी कंपनी साथ में देती है। तीन कंपार्टमेंट है ऊपर की तरफ, तो ऑर्गेनाइजर मिल जाता है हमें, छोटी सी पॉकेट मिलती है। उसके अलावा ये मेन कंपार्टमेंट हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको बुक्स रखना है या फिर कुछ भी रखना आप रख सकते हैं। काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल जो है अंदर यूज़ किया गया है जिससे किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता अगर बैग गिर भी जाता है तो। काफ़ी पॉकेट जो पॉकेट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। साइड पॉकेट की बात करें तो यहाँ पर अपनी फाइल्स रख सकते हैं, लैपटॉप वगैरह रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। जिस चीज़ को आप ईजिली एक्सेस करना चाहते हैं ऐसी चीज़ों को आप यहाँ पर रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मैं लैपटॉप बहुत यूज़ करता हूँ तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा, पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको अपना थोड़ा सा सामान रख के दिखाता हूँ। ये मेरा लैपटॉप है, ये मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है ऊपर की तरफ, मैंने साइड में नहीं रखा है अभी फिलहाल इसको। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि क्या क्या सामान आ सकता है। ऊपर की तरफ मैंने एक अपना एक्स्ट्रा फोन रख दिया है, हालांकि मैं कपड़े वगैरह नहीं रखने वाला हूँ। ये साथ में आप देख सकते हैं मेरी एयरफोन भी यहाँ पर चली गई हैं। और ये रहा मेरा ट्राईपॉड, इसको मैं साइड में खैर अभी इसको बीच में रख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि कितना जो है कैपेसिटी इस बैग की है। 30 लीटर कंपनी ने क्लेम किया कितनी इसकी कैपेसिटी है। हेडफोन को भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो जरूरत पड़ती है आमतौर पे लोगों को, यंगस्टर्स को खास तौर पे। और ये मैं अपना रिमोट भी लेके चलता हूँ कहीं भी, कंट्रोलर भी लेके चलता हूँ कहीं भी जरूरत पड़ सकती है इसकी, तो ये भी साथ में ले चलते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये, और ये स्वीट का ऑलरेडी मेरे पास एक छोटा सा पाउच पड़ा हुआ था, इसमें भी मैं काफ़ी ज़्यादा सामान जो है कैरी करता हूँ तो इसको भी मैं यहाँ पर अंदर रख देता हूँ। और ये रहा मेरा आईपैड, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, तो इसको भी देखते हैं कि आ सकता है कि नहीं, तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया है। उसके अलावा दोस्तों कभी कभी ये कैमरा भी अपने बैकपैक में कैरी करता हूँ तो इसको भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो मैंने सोचा था कि ऊपर वाली पॉकेट में रखूँगा, पर फिलहाल मैंने इसमें ट्राईपॉड रख दिया है। अगर मैं ट्राईपॉड नहीं रखता हूँ तो मैं कैमरे को भी यूज़ कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैंने चीज़ें डाल दी, उसके बावजूद भी साइड वाली जो पॉकेट है उसमें स्पेस मिल जाता है। तो मेरा पतला सा मैकबुक है वो भी यहाँ पर चला गया, अभी भी स्पेस बचा हुआ है इसके अंदर। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा मतलब सारा का सारा मैं लग नहीं रहा कि इतना सारा सामान इसके अंदर आ गया है। इस बैकपैक की हाइट की बात करें तो
36 सेंटीमीटर की हाइट है, विड्थ की बात करते हो 32 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ जो है हमें देखने को मिलती है। तो ऑल ओवर काफी बढ़िया बैकपैक है, सॉलिड बैकपैक बनाती है स्वीट हमेशा से ही। खैर दोस्तों कमाल का बैकपैक है और आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप इनको खरीद भी सकते हैं। अब तो खैर फेस्टिव सीजन आ रहा है तो हो सकता है मे बी कोई डिस्काउंट वगैरह भी आपको इस पे देखने को मिल जाए। तो खैर दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो स्वीट बैकपैक के ऊपर। तो खैर आज की वीडियो खैर यहीं तक थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की और वीडियोज के लिए, शेयर करें। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो फिर जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।